कुंज रसधार है। सादर प्रणाम, नमस्कार। काव्य कुंज में मैं कवि राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ बेहतरीन कविताओं के साथ। नवदुर्गा का पर्व चल रहा है और यह विशेष पर्व शक्ति की आराधना का पर्व होता है। कहते हैं हम कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि बुद्धि हो, ज्ञान हो या शक्ति हो, तीनों की आराध्या देवियों को माना जाता है। और इस नवदुर्गा में हम सुनते हैं हमारे पहले कवि से कि आखिर वो किस तरह से इन देवियों की वंदना अपनी शब्दावली के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अष्ट शक्ति का स्वरूप तू स्वयं है जान ले, अष्ट शक्ति का स्वरूप तू स्वयं है जान ले। बाहर क्या कर खोजता, बाहर क्या कर खोजता, तेरे भीतर मान ले, अष्ट शक्ति का स्वरूप तू स्वयं है जान ले। नवदुर्गा के इस स्पेशल एपिसोड में हम माता के विविध रूपों का वर्णन कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं और उनके गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। माता का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य धरती के पास भी होता है और धैर्य माँ के पास भी होता है। और माँ वह किरदार है जिसकी कभी उपमा नहीं दी जाती। ऐसा कहते हैं कि इस तरह वो मेरे सारे गुनाहों को धो देती है। माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है, यानी कि क्रोध में भी जो करुणा का दामन हमेशा थामे रखती है, और उसका क्रोध सात्विक क्रोध होता है क्योंकि वो क्रोध दुर्गुणों का नाश करता है। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले कवि की तरफ, वो क्या कहने जा रहा है नवदुर्गा के अवसर पर, सुनते हैं उन्हीं से। लो आई है फिर से नवरात्रि की बहार, लो आई है फिर से नवरात्रि की बहार, शिव शक्तियों के रंग में रंग गया संसार, लो आई है फिर से नवरात्रि की बहार। आत्म जागरण की बेला ये, जागो मेरे भाई, आत्म जागरण की बेला ये, जागो मेरे भाई, जीवन में प्रकाश भरने नवरात्रि है आई, जीवन में प्रकाश भरने नवरात्रि है आई, नवरात्रि शक्तियों के रहस्य को जो समझे तो जीवन हो उजियार, शिव शक्तियों के रंग में रंग गया संसार, रंग गया संसार। यशस्वी हैं इसलिए यश की बात करते हैं हम, ज्ञान चरित्र और प्रतिभा को आत्मसात करते हैं हम, और जय माता दी का अभिवादन करते हुए आज के काव्य कुंज का समापन करते हैं हम। इजाजत दीजिए कवि राजीव शर्मा को, अगले काव्य कुंज में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम, सादर नमस्कार।